सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज दोपहर 12 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको अवगत कराना चाहूँगा कि एक बार फिर से सरकार को आंगनबाड़ी बहनों की याद आई, और जब याद आई तो उन्होंने फिर से एक बार माँ यशोदा का दर्जा दे दिया। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंगनबाड़ी बहनों को सबसे पहले यशोदा माँ का दर्जा दिया था। उसके बाद से आए दिन किसी ने मौसी बनाया तो किसी ने कुछ बनाया। अब ऐसे में एक बार फिर चर्चाओं में आंगनबाड़ी बहनें अखबारों में रही हैं, और वो भी माँ यशोदा की भूमिका के रूप में। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी अच्छी भूमिका, और उसके बाद भी आज तक इन यशोदा माँ का जो हाल है वो बेहाल है। इन बहनों को ना ही राज्य कर्मचारी समझा जाता है और ना ही केंद्र का कर्मचारी समझा जाता है। 1975 से योजना आज तक ये चल रही है, और अब तक इनमें काम करने वाली इन यशोदा माँ को जो है आज तक सरकार ने काफ़ी चीज़ें नहीं दे पाई। जैसे कि अगर हम बात करें रिटायरमेंट पर, इनको कुछ नहीं मिलता, और इन बहनों की और भी समस्याएं, इनको मेहनत के हिसाब से पैसे कम मिलते, दैनिक मजदूरी से भी कम पैसे तमाम राज्यों में इन बहनों को सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। अब आप समझिएगा, बस बड़े बड़े टाइटल अखबारों में आ जाते हैं, कभी माँ यशोदा का तो कभी मौसी का। अब ऐसे में आप देखिएगा और बस ऐसे ही खुश करके चीज़ें वहीं पर जो है ख़त्म कर दी जाती हैं, जबकि सरकार को चाहिए इन यशोदा माँ के लिए कुछ अच्छा करें, इनको किसी श्रेणी में लाएं, राज्य कर्मचारी बनाएं या केंद्र का कर्मचारी बनाएं, कम से कम इनकी जो है कुछ ना कुछ तो सेवा शर्तों में सुधार करें। लेकिन बार बार नेता लोग क्या करते हैं, बयान तो देते हैं, सत्ता में आने के लिए कई वादे करते हैं, सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने के करते हैं, तो कभी सेवा शर्तों में सुधार के करते हैं, लेकिन समय बीत जाने के बाद उन सब पर वो पर्दा डाल देते हैं, उनको कभी मुड़कर के भी नहीं देखते कि उन्होंने क्या कहा था और उन्होंने आज तक उसको किया है कि नहीं किया है। आप देख सकते हैं इस तरह से HBTU में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को किट बांटी हैं, वहीं पर ये पूरा मैटर प्रकाशित अखबार में हुआ। लिखा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां आधुनिक समाज की माता यशोदा हैं, जो गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ा करके संस्कारित बना रही हैं, दूसरे के बच्चों को पालती हैं, उनके स्वास्थ्य का संपूर्ण ध्यान रखती हैं, लेकिन फिर भी सरकार ना आंगनबाड़ी बहनों का ध्यान रख पा रही है ना उनके बच्चों का। अब ये बहनें दूसरे के बच्चों को पालते पालते उनका कुपोषण मिटाते मिटाते खुद ही कुपोषित हो जाती हैं, और कई बहनों ने तो काम के एवज में अपनी जानें तक गंवा दी हैं। अभी अभी हमारे पास एक और जानकारी आई है, मालती बहन है, उन्नाव जिले से आती हैं, उन्होंने एक आंगनबाड़ी बहन की ये फोटो भेजी है, जो कि अब हम सबके बीच में ये बहन नहीं रही हैं। दुखद समाचार है, ग्राम पोस्ट पूरा निस्फ पंसारी जिला उन्नाव आंगनबाड़ी कार्यकर्ती विजय लक्ष्मी दिनांक 8 जुलाई समय रात के 9 बजे इनका स्वर्गवास हो गया है। भगवान अपने श्री चरणों में बहन को स्थान दें, और ऑल इंडिया के माध्यम से आप सब भाई बहन भी बहन की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखना। विजय लक्ष्मी बहन अब हम सबके बीच में नहीं रही, तो ऐसे में आप सब भाई बहन देख सकते हैं, न जाने कितनी बहनें रोज जाने गंवा रही हैं, कोई बीमारी के चलते तो काम के, कोई प्रेशर के चलते, कोई मानसिक तनाव के चलते, तो कोई विभाग सरकार द्वारा मेहनत का फल ठीक से ना दिए जाने के बाद अब आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं, ना इलाज करवा पा रही हैं, ना ढंग का खा पा रही हैं, अपना खुद का वो कुपोषण नहीं मिटा पा रही हैं। सरकार लाभार्थियों के लिए तो कुपोषण मिटाने के तमाम इंतजाम करती है और बहनों के थ्रू वो करवाती है, लेकिन इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जो मेहनत हड्डी तोड़ कार्य लिया जाता है उसके एवज में उनको मिलने वाला मेहनताना अत्यधिक कम होने के कारण वहां पर वो बहनें अपनी जो डाइट है, अपना जो पोषण है, उसमें सुधार
प्यार करना भूल जाती हैं, और भूल क्या जाती हैं, उनकी मजबूरी बन जाती है। तो सरकार को ध्यान देना है, पहले उनका जीने लायक मानदेय देना है। आजकल अगर आप दैनिक मजदूरी उठाएंगे वो भी 300-400 रुपया पर डे का इंसान कमा रहा है, चार पर डे कमाएगा 400 तो 12,000 रुपए हो गए, और इन बहनों को काफी राज्यों में 5,000-6,000 रुपए में गुजर बसर करना पड़ता है। 4,500 केंद्र सरकार के, बाकी राज्य सरकारों की मेहरबानी, कोई 1,000 दे रहा तो कोई 1,500 दे रहा, कोई 2,000 दे रहा तो कोई 5,000 दे रहा, तो कोई 8,000 तक अब स्टार्ट कर दिए। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तनख्वाह, लेकिन काम सबका एक जैसा। अब ऐसे में आप बताइए ये कितना बड़ा भेदभाव है जो तमाम राज्यों में राज्य सरकारें कर रही हैं। अब सबसे बड़ा रोना यही है कि केंद्र सरकार इनको अपना कर्मी नहीं मानती और राज्य सरकारों के हवाले छोड़ा, राज्य सरकार अपना राज्य का कर्मी नहीं मानती। लेकिन जब काम कराने की बारी आती है तो ना केंद्र सरकार हमारी चूकती है और ना राज्य की सरकारें चूकती हैं। केंद्र से भी जब भी कोई कार्यक्रम मनाने होते हैं, कोई भी तरह के कार्यक्रम, तो पट से लेटर निकाल दिए जाते हैं और काम करा लिए जाते हैं। वहीं राज्य सरकार अपने विभागीय कार्यों को तो कराती ही है, उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग जैसे कामों को भी वो बखूबी बहनों से करा लेते हैं। अब ऐसे तरह तरह के काम भी इन्हीं पर लाद दिए जाते हैं। अभी आने वाले समय में चाहे आधार कार्ड बनाने का कार्य ले लो या अन्य तरह के अन्य कार्य भी लो, जैसे कार्य ले लो, चुनाव ड्यूटियां ले लो, हर एक तरह के कार्य इन्हीं के कंधों पर डाल के कराए जाते हैं। वहीं पर आगे आप देख रहे हैं, फिर भी सरकार इनके न मेहनताने न इनकी सेवा शर्तों में सुधार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जब भी बारी आती है इनसे संवाद करने की, इनको खुश करने की, तो हर कोई नेता और सरकार बस यही इनको टाइटल पकड़ा देती है, कभी यशोदा माँ तो कभी जो है मौसी। इस तरीके से झोपड़पट्टी में आने वाले बच्चों को साक्षर बना रही हैं, इसके लिए वह बधाई की पात्र हैं, बस बधाई की ही पात्र हैं। ये मेहनत को देखते हुए उनके पैसों में बढ़ोतरी के पात्र सरकार के हिसाब से नहीं है। अगर होती तो सम्मानजनक का वादा सरकार ने किया था उसको वो पूरा कर चुके होते। अभी दो बार सत्ता में सरकार यूपी में भी आ चुकी है, लेकिन सम्मानजनक मानदेय के नाम पर क्या मिल रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है, आप सब बहने भली भांति परिचित हैं। वहीं आप देख सकते हैं यहां पर आनंदीबेन पटेल ने HBTU के शताब्दी भवन में आयोजित समारोह में बातें कही हैं। कानपुर देहात की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को किट वितरण समारोह का शुभारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा और सांसद देवेंद्र सिंह भोले इन्होंने किया है। राज्यपाल ने कहा है कि पब्लिक स्कूल की तरह आंगनबाड़ी के बच्चे भी कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ेंगे लिखेंगे, यही मेरा सपना है, मैं इसके लिए पिछले 16 साल से प्रयास कर रही हूं। तो देखिए 16 साल से हमारी राज्यपाल महोदय प्रयास कर रही हैं और इतने सालों में अभी तक आपको स्थितियां पता हैं तमाम स्टेटों में, तमाम जिलों में, कि कैसे कैसे कौन कौन सन में आंगनबाड़ी सेंटर बनाए गए, वो विभाग को हैंडओवर हुए कि नहीं हुए, कितने हैं जो जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं बिना हैंडओवर हुए, ऐसे तमाम चीजें, और कितने बहनों के पास अभी खुद के भवन नहीं है, या यूं कहें कि निजी भवन विभाग नहीं दे पाया, लेकिन प्रयास हो रहे हैं। चलो ये अच्छी बात है, प्रयास हो रहे हैं। कानपुर देहात औद्योगिक नगरी है और इसके लिए उद्योगपतियों को आगे आना होगा, यानी कुल मिलाकर के सरकार चाहती है कि उद्योगपति अपने रहमो करम से आंगनबाड़ी सेंटरों पर भी अपनी नजर दौड़ाएं और इनके लिए कुछ ना कुछ करें। अब अपने CSR फंड का इस्तेमाल आंगनबाड़ी के विकास के लिए कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, गरीब की भूख मिटाना हमारा संस्कार और संस्कृति है। 100 आंगनबाड़ियों को किट, पोषण किट भी बांटी गई हैं। तो ज्योत्सना, सुनीता, निशा, रेखा, ममता, भावना, बिंदु, नीरज, विजयलक्ष्मी, राजकुमारी, ऐसे 100 और आंगनबाड़ी बहनों को किट का वितरण किया गया है। 6 रोगी संदीप, वासु, अजय, शुभम, पवन, इनको पोषण किट का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के अंतर्गत शैंपू उत्पादन के लिए पुनीका, सैनिटरी नैपकिन के लिए सुनीता मिश्रा और प्लास्टिक के लिए जो है अनुया मालवीया, प्रखर खंडेलवाल और इनको रोहित को 2,18,00,000 का चेक वितरित किया गया है। आस्था कुशवाहा, इंसा और इरशाद मंसूर और निधि मिश्रा को प्रमाण पत्र दिए गए। तो देखिए इस तरह से ये कार्यक्रमों को करने के लिए लोगों को चेक भी बांटे जाते हैं, लेकिन बदलाव कितना आता है वो कागजों पर दिखता है।
ग्राउंड पर कितना दिखता है वो आप सब बहनें अपना कमेंट माध्यम से अपनी अपने केंद्रों की स्थितियों को लिखा करो। सबसे बड़ी कमी यही है, लोग आते हैं सुनकर के चले जाते हैं, चाहे जितना मेहनत से उनके लिए आवाज उठाओ किसी काम की नहीं रहती। हमारे चिल्लाने से बेटर आपके कमेंट्स होते हैं, ध्यान रखना। आजकल वीडियो बनाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उन वीडियो पर कमेंट कौन करता है, कैसे कमेंट करता है, फर्क उससे पड़ता है। कमेंट्स यानी आप सब की आवाज, आप अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, तो आप कमेंट्स में लिखना ना भूला करें। लेकिन काफी लोगों को मानदेय वाली खबरों से मतलब होता है, मानदेय आया कि नहीं आया पता चल जाए बस आराम से बैठ जाएंगे, उसके बाद देखना भी मुनासिब नहीं समझते। तो ऐसे कमियां हैं, जब कमियां हम में ही हैं तो फिर क्या, सरकार तो इसका फायदा उठा ही रही है। बाकी आप लोगों से वादा किया गया था सेवा शर्तों में सुधार का, क्या सेवा शर्तों में सुधार हो गया उत्तर प्रदेश में, या फिर यूं कहें कि क्या आपको सम्मानजनक मानदेय सरकार ने दे दिया जिसका सरकार ने 2017 में वादा किया था। अब इसके बाद देखिए वाहनों को दिखाई हरी झंडी, ऐसे सब चीजें यहां पर प्रकाशित हुई। तो आप सब भाई बहनों का इस मामले में और अगर कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को जरूर रखना। और ऐसे हमारी बहनें आए दिन किसी न किसी तरीके से, अभी आपने देखा था गर्मियों में लू लगने के कारण भी हम सबके बीच में नहीं रही, तो ऐसे में कई बहनों ने जाने गंवाई हैं। और फायदा मिला बहनों को क्या, कुछ नहीं, विभाग से बस टाइटल मिलते हैं, कभी यशोदा माँ के तो कभी मौसी के। अब बाकी सच्चाई आप सब कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।